बच्चों की तालीम के लिए कोई इशू नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ और खुशी की वजह भी बहुत ही खूबसूरत है कि उस पर खुश हुआ जा सकता है, और आप सुनेंगे तो शायद आपको भी खुशी होगी। जो मुझसे चाहने वाले हैं, मुझे प्यार करने वाले हैं, मेरी बहनें ज़रूर मेरे लिए दुआ करेंगी। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। आज जो है मेरे पास है बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो ये है कि मैं बनाने जा रही हूँ अपना नया घर। घर जो है हर इंसान का ख्वाब होता है, और वो चाहता है कि एक पुरसकून घर उसकी ज़िंदगी में हो जहाँ वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारे। अभी जब मैं घर से निकली हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो मौसम बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा मौसम था। तो हमने प्लान किया कि चलो चलते हैं साइड पे और देखते हैं, और आपको भी लिए चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, सूरज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कि सूरज कह रहे हैं नहीं नहीं गर्मी अभी बाकी है यार, और देखें ज़रा। लेकिन फिर भी जो है देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और हम अपने सफ़र की तरफ रवा दवा हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो है प्लॉट कितने का लिया है और कहाँ पर है, और ये आप किस तरह कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इन सब सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। ये भी बताऊंगी कि ये प्लॉट हमने लिया कहाँ है, लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद या पिंडी। तो इसके इन सब चीज़ों को देखने के लिए, जानने के लिए आपको ये देखनी पड़ेगी वीडियो एंड तक। और मैं ये भी बताऊंगी कि ये जो हमने सोसाइटी सिलेक्ट की है, ये क्यों की है, इसके फायदे क्या हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, बच्चों की तालीम के लिए कोई इशू नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें लाहौर यूनिवर्सिटी है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हर रास्ते में हमें मिली है ये खूबसूरत सी गायें जो कि मसरूफ़ हैं खाना खाने में, और इनको देख के मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि लें जी एक और हमारी टेंशन दूर हो गई है, और वो है खालिस दूध की। आजकल के दौर में खालिस दूध मिलना बहुत मुश्किल काम है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी सी मेहनत करें और बच्चों के लिए यहाँ से खालिस दूध हासिल कर लें। तो मुझे तो ये देख के इनको बहुत खुशी हो रही थी, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ थोड़ी देर रुकिए और मैंने इनको देखना है। और मुझे ये चढ़ती हुई बहुत अच्छी लग रही थी, और ये नन्ना मुन्ना पाला सा सोना मुन्ना सा भैंस का बच्चा है कि गाय का बच्चा है, लेकिन बहुत क्यूट लग रहा था। और वो दूर खड़ा अपनी माँ को देख रहा था कि लो जी मुझे तो यहाँ बंधा हुआ है, और खुद जो है वो आराम से याशी कर रही है। तो मुझे इस पर बहुत तरस भी आ रहा था और प्यार भी आ रहा था, बेचारी की हड्डियाँ निकली हुई थी। खैर ये तो इनका अपना मसला है, और ये हम आगे रवा दवा हो गए अपने प्लॉट की तरफ। आज जो खुशी है वो आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को फील कर सकते होंगे कि कितनी बड़ी खुशी होती है। और ये हम पहुंच गए, ये है वो खूबसूरत सा प्लॉट जिसकी है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी। और मैं यहाँ पर बताऊंगी कि ये जिस सोसाइटी में प्लॉट है वो है LDA एवेन्यू 1, जो कि रायवन रोड पे वाक़ है। इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही आइडियल है, ये जौहर टाउन, वापटा टाउन और शौकत खनम से 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, और बहरिया टाउन भी इसके करीब है। इंडस हॉस्पिटल जो है वो बहुत तेज़ी से सोसाइटी के अंदर ही तामीर हो रहा है, तो हर सहूलत ही यहाँ मुयसर है। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट प्लेस है रहने के लिए।
तो ये है हमारा गैराज और यहाँ पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी गाड़ी खड़ी हुआ करेगी। और ये साथ में जो है हम लोगों ने बनाया है ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के दोनों तरफ होंगे डोर्स, और साथ में ही हमने बना लिया टीवी लॉन्च, और साथ है ओपन किचन, और इसके सराउंडिंग्स में जो है हमने खाली जगह छोड़ी हुई है। और ये दो बेडरूम बनेंगे इस 10 मरले के प्लॉट में, और ये है एक बेडरूम और दूसरा बेडरूम है, और साथ पीछे जो है वो सब ओपन एरिया है सारा इसका। और इंशाल्लाह ये तो है इसकी फर्स्ट स्टेज ग्राउंड फ्लोर है, और यहाँ पर बस हमने इतना ही बनाना है, और सामने हम थोड़ा सा लॉन बनाएंगे, और बहुत खूबसूरत से हमारा इरादा है कि बहुत प्यारे प्यारे से पौधे ला के लगाएं, और ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाएगा। तो घर एक दफ़ा बनता है सोच समझ के इसका नक्शा बनाया गया है, ताकि ये हवादार भी हो और खुला भी हो, ये नहीं कि छोटे छोटे कमरे, लेकिन ढेर सारे कमरे बना लिए जाएं। लेकिन इसमें हमने दो ही कमरे रखे हैं, ड्राइंग रूम है और टीवी लॉन्च किचन, और बहुत खूबसूरत इसका नक्शा है। उम्मीद है कि आप हमारे लिए और इस घर के लिए बहुत दुआ करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।